हम लोग धारा मापी के बारे में पढ़ते हैं, तो वैद्युत परिपथ में धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे धारा मापी कहते हैं। धारा मापी से हम वैद्युत धारा का मान भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसका यूज धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो धारा मापी दो प्रकार के होते हैं, एक निलंबित कुंडली धारा मापी सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, और एक होता है किलकित कुंडली या चल कुंडली धारा मापी, इसको वेस्टर्न धारा मापी भी कहा जाता है। तो वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब पहले हम लोग पढ़ते हैं निलंबित कुंडली धारा मापी के बारे में। तो निलंबित कुंडली धारा मापी की जो क्रिया विधि है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारा मापी की कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण पर आधारित है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण लगने लगता है। तो उसी सिद्धांत पर इसकी क्रिया विधि आधारित है। तो इसकी रचना, निलंबित कुंडली धारामापी की संरचना चित्र में दिखाई गई। तो यहाँ पर हमने निलंबित कुंडली धारामापी को बना रखा है, तो इसको किताब से और समझ लेना। अच्छा, ये बताए दे रहे हैं इसमें से, ये दो चुंबकीय ध्रुव एन और यस पोल हैं, इनको अवतलाकार घिस लिया जाता है, इस तरह से बेलनाकार या तो बना लिया जाता है, और उसके बीच में एक बेलनाकार कुंडली, कई फेरों की कुंडली लटकी होती है, सस्पेंडेड रहती है, इसीलिए इसका नाम है निलंबित कुंडली धारामापी। ये एक फास्फोरस ब्रांच के धागे उससे पत्ती से लटकी रहती है, और नीचे जो पत्ती होती है, नीचे का जो तार होता है वो इस स्प्रिंग से, ये फास्फोरस ब्रांच की ये स्प्रिंग भी होती है, इससे लिपटा होता है, और दोनों किनारों से धारा भेजने के लिए उनको संबंधक पे T1 और T2 से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार ये जो T1 T2 संबंधक पेंच है, फास्फोरस ब्रांच की पट्टी, और ये कुंडली दिखाई गई एल्युमिनियम फ्रेम पर लटकी होती है, और इस कुंडली के एल्युमिनियम फ्रेम के अंदर ये जो दिखाया गया लाइनिंग वाला, ये लौह चुंबकीय पदार्थ की एक क्रोड रख दी जाती है। तो ये सब सिस्टम है, इसको लिख सकते हैं, ढंग से समझ लेना। अब इसका सिद्धांत पढ़ते हैं कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या एन हो, क्षेत्रफल कैपिटल ए हो, तो आई धारा प्रवाहित करने पर इस पर लगने वाले बल आघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं विक्षेपक बल युग्म, या विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण बोला जाता है। टाउ बराबर एन ए आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा, जहां बी चुंबकीय क्षेत्र और थीटा कुंडली की अक्ष अर्थात तल के लंबवत दिशा में लंबवत व वेक्टर बी के बीच का कोण है। कुंडली की अक्ष व चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच का कोण है, ये कहा जाएगा। अक्ष जो होती है वो तल के लंबवत दिशा में होती है, इसलिए तल के लंबवत लिख दिया मैंने। अब यहां पर कुंडली ध्रुव बेलनाकार बनाकर चुंबकीय ध्रुवों को, अभी मैंने ऊपर बताया था, चुंबकीय ध्रुवों को बेलनाकार बनाकर या अवतल के रूप में घिसकर नर्म, और उस कुंडली के भीतर नर्म लोहे की क्रोड रखकर इस एन और यस ध्रुवों के बीच में त्रिज चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लिया जाता है। तो ये जब व्यवस्था कर दी जाती है, तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, त्रिज होता है, इसका पहले हमने बताया है कि त्रिज चुंबकीय क्षेत्र की ये विशेषता होती है कि वह सदैव इसकी अक्ष के लंबवत रहता है, यानी थीटा हमेशा 90 डिग्री बना रहता है, इसलिए इस पर मैक्सिमम बल आघूर्ण लगता है। तो यहाँ पर लिखा है कि कर लिया जाता है, तो थीटा बराबर हमेशा 90 डिग्री होता है। तो इस स्थिति में जो विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण होता है, टाउ बराबर वो हो जाता है, या ना ये भी साइन थीटा या साइन 90 लिख लेंगे यहाँ पर, या ना ये भी, तो ये मैक्सिमम बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न लगा रहता है। तो इस कारण कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। अब जैसे ही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, ये फास्फोरस ब्रांच की पत्ती इसमें ऐंठन प्रारंभ हो जाता है, और ये स्प्रिंग भी ऐंठने लगती है, तो विपरीत दिशा में एक बलयुग्म लगाती है। ये फास्फोरस ब्रांच की पत्ती जो है विपरीत दिशा में बलयुग्म लगाती है, और इस कुंडली को स्थायी संतुलन में रखने का प्रयास करती है। इसलिए इस फास्फोरस ब्रांच के पत्ती द्वारा ऐंठने की स्थिति में लगाया गया बलयुग्म बोला जाता है प्रत्यानयन बलयुग्म, इसको प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। तो यदि पत्ती का ऐंठन नियतांक सी हो, तो फाई ऐंठन की स्थिति में पत्ती द्वारा लगाया गया प्रत्यानयन बलयुग्म सी फाई होगा, और कुंडली की स्थायी होने पर जो प्रत्यानयन बलयुग्म है वह विक्षेपक बलयुग्म के बराबर हो जाना चाहिए होगा। तो सी फाई बराबर एन आई ए बी लिख देते हैं, सी फाई ये प्रत्यानयन बलयुग्म हो गया फास्फोरस ब्रांच की पत्ती का, और एन आई ए बी जो है वो चुंबकीय धारावाहिक कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण हो गया। तो ये दोनों बराबर कर लेते हैं, यहां से आई निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है आई ज्ञात करना। तो आई बराबर हो जाएगा सी अपान एन ए बी इंटू फाई।
अब सी अपान एन ए बी को हम लोग कैपिटल के लिख लें तो के फाई हो जाएगा। यहाँ पर ये जो सी अपान एन ए बी है यानी कैपिटल के है, ये एक नियतांक है, इसे धारा मापी का परिवर्तन गुणांक कहा जाता है, रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर कहते हैं इसको। तो इस तरह से अगर हम इसको कॉन्स्टेंट को हटा दें तो आई प्रोपोर्शनल फाई लिखेंगे। इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो धारा मापी में जो धारा होती है वह कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसमें विक्षेप को पढ़ने के लिए यानी फाई जो विक्षेप है कुंडली का उसको पढ़ने के लिए इसमें एक समतल दर्पण ये लगा होता है और इस दर्पण पर सामने से एक बल्ब से लाइट इस पर डाली जाती है और वह लाइट इससे जो रिफ्लेक्ट होकर यानी परावर्तित होकर एक पैमाने के शून्य पर स्थाई कर दी जाती है। और जब यह कुंडली घूमती है तो उसके साथ दर्पण भी घूमता है। तो इस प्रकार जो पैमाने पर इसके जो वो स्पॉट होता है, लाइट का स्पॉट होता है, प्रकाश बिंदु जो होता है वह उस पैमाने पर विक्षेपित होता है। तो उसी विक्षेपण को देखकर हम लोग धारा की दिशा ज्ञात, धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं और दिशा भी ज्ञात हो जाती है उससे कि उस पर पैमाने पर वह जो प्रकाश बिंदु है वो दाईं ओर जा रहा है कि बाईं ओर विक्षेपित, इस आधार पर धारा की दिशा निकल आती है। तो ये है निलंबित कुंडली धारा मापी। अब इसी के साथ साथ नहीं।